हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबली। आपका स्वागत करती हूँ बबली किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी, जिसे खा के आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। तो देखा आपने कितना क्रिस्पी है ये। तो फ्रेंड्स, इसे आप खाने के साथ या फिर स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर एक बार इस रेसिपी को आपने बना लिया तो हर बार भिंडी की यही रेसिपियाँ बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है। तो आइए हम झटपट क्रिस्पी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और इसके साथ ही आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, वो टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने धो के, इसको सुखा के और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। जैसे हम भुजिया के लिए काटते हैं वैसे ही कट करना है। और इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। छोटा सा मिक्सिंग जार में मैं डाल रही हूँ 10 से 15 जवा लहसुन का, 4 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक कटा हुआ। और इसको हम क्रश कर लेंगे, दरदरा सा हमें इसको कूटना है। और वापस से भिंडी लिया मैंने और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। और चम्मच से देखें तो 4 बड़े चम्मच यानी कि टेबल स्पून आप बेसन ले सकते हैं। और भिंडी को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा। ये है मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो मिक्सिंग जार में डाल के चावल को ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक और मिर्च डालेंगे। क्रश करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी डालने से भिंडी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और हमें थोड़ा ग्रीन रखना है। तो इसको एक बार स्पून से अच्छी तरह से मिला लेंगे, ड्राई है अभी। और थोड़ा थोड़ा इसको हम हल्का पानी स्प्रिंकल करते हुए मिक्स करेंगे। तो एक चम्मच के बराबर पानी ऐसे डालें, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना हमें पानी डालना है कि भिंडी के ऊपर ये कोट हो जाए अच्छी तरह से और गीला बिल्कुल भी ना हो और ड्राई भी ना हो। तो उसी हिसाब से एक एक चम्मच करते हुए हम और मिलाते जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं नमक डालना पहले भूल गई, अब मैं नमक डाल रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे और नमक डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको गीला भी नहीं करना है और ड्राई भी नहीं रहना चाहिए, बस इतना करना है कि भिंडी के ऊपर अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ ऐसा आपको करना है। तो बस ये हमारा तैयार है, इसको साइड में रखते हैं। और अब हम पैन रखेंगे गैस के ऊपर। अब पैन में मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें डीप फ्राई करनी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप मूंगफली, और ये कच्चा मूंगफली है, इसको हमें फ्राई करना है। तो छन्नी डालेंगे और छन्नी के ऊपर ही हम मूंगफली को डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्राई करने से निकालने में आसानी रहता है। और इसको हम चम्मच से ऐसे चलाएंगे और मूंगफली चटकना शुरू हो जाएगा तो ये फ्राई हो जाएगा। और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कलर आ गया है, ये क्रंची हो गया है। तो इसको अब निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेश करी पत्ता लिया है और इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को लो रखेंगे कि जले ना, बस क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस भिंडी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है। और साउथ इंडियन में तो आपको पता ही है करी पत्ता एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो चुका है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और करी पत्ता को निकालने के बाद फ्लेम को हाई करना है और हाई फ्लेम पे हमें भिंडी फ्राई करना है। तो भिंडी को ऐसे हम डालेंगे जितना एक बार में आ जाए, और आप देखेंगे जैसे जैसे ही फ्राई होता जाएगा अलग हो जाएगा, अभी तो चिपका हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें भिंडी को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरह से चलाते रहेंगे और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कलर ना चेंज होने पाए,
बस ये क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गया है। तो एक शिफ्ट के फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गया है और अंदर तक पक भी चुका है। तो सारे को मैं निकाल लेती हूँ ऐसे, और आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है, एकदम क्रिस्पी सा भिंडी। तो इसको भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने मूंगफली और करी पत्ता रखा है, और इसी तरीके से सारे भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो बस फ्लेम को हाई रखें और भिंडी को डाल के उसको क्रिस्पी होने तक और पकने तक डाल के फ्राई करते जाएं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे तो आपको आदत हो जाएगा, हर बार भिंडी का यही रेसिपी आप बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स सारे भिंडी को हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट, टाइम भी कम लगता है इस रेसिपी में, आप देख ही सकते हैं। तो ये भी क्रिस्पी हो चुका है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी बना है हमारा भिंडी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और गजब का ये क्रिस्पी बना है। मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके बता रही हूँ। फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार जरूर बनाइए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ। बाय बाय।